पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान न सिर्फ भोजन की कंगाली से गुजर रहा है, बल्कि अब देश में ईंधन की कमी से भी हाहाकार मचा हुआ है। ईंधन के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि एयरलाइन कंपनी की जेब पर इसका जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते 349 उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने ईंधन आपूर्ति की कमी के कारण पिछले दो हफ्तों में 349 उड़ानों को रद्द कर दिया है। PIA के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि 14 अक्टूबर से उड़ान रद्द होने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्ग प्रभावित हुए हैं। भुगतान को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA और पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी PSO के बीच विवाद चल रहा है। PSO ने ईंधन के लिए अपनी क्रेडिट लाइन को निलंबित कर दिया है और अब केवल दैनिक अग्रिम भुगतान के आधार पर आपूर्ति जारी है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उड़ानें प्रभावित हुई हों। इससे पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कई बार ईंधन की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई बार बकाया भुगतान न करने के कारण घरेलू उड़ानों को बाधित किया गया है।